मेरा पांचवा ज़िला है कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और कवर्धा। ट्रैफिक से जाने यहाँ भी जा रही है, पिछले साल 150 से ज़्यादा जाने कवर्धा में। फाइबर अवेयरनेस पे काम किया जाएगा क्योंकि यहाँ भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँचा हूँ कवर्धा ज़िला, देख सकते हो। और कवर्धा ज़िले में दुर्ग से कवर्धा ज़िले में ट्रांसफ़र हुआ है अभिषेक पल्लव सर का, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम मिलने के लिए आए हैं, ठीक है ना। आप लोगों को दिखाएँगे क्या कुछ खास है, क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर अभिषेक पल्लव सर। देख सकते हो, कबीरधाम ज़िला का पुलिस अध्यक्ष कार्यालय है यहाँ पर, देख सकते हो पूरी तरीके से। और कुछ इस तरीके का सीन है दोस्तों, देख सकते हो। अभी हम पहुँच चुके हैं पल्लव सर के ऑफिस में कवर्धा में, देख सकते हो यहाँ का व्यू वगैरह है ना। यहाँ पर है अभिषेक पल्लव सर और लगता है यहाँ पर प्रोसेस मिलने के लिए, तो सब कुछ लिख के दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ व्यू वगैरह। हर ज़िले का अपना एक चैलेंजेज होता है पुलिस के लिए। कवर्धा में क्योंकि एक वर्ष पूर्व झंडा विवाद के ऊपर धार्मिक फहाद बिगड़ा था, यहाँ पर नक्सल की समस्या है, यहाँ पे बैगा आदिवासी हैं जो काफ़ी सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, उनकी समस्याएं हैं। यहाँ पे जनजाति SC ST पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र बगल में है, बॉर्डर स्टेट है, तो बॉर्डर के कारण भी तकलीफ़ें रहती हैं। नेशनल हाईवे यहाँ से पास करता है और उसमें ट्रैफिक की समस्याएँ रहती हैं। निश्चित रूप से पुलिस पे काम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, सामने चुनाव है 6 महीने के बाद, क्योंकि ये नक्सल प्रोन इलाका भी है, तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की पदस्थापना में यहाँ की समस्याओं को समझ के जनता को हम न्याय के साथ पुलिसिंग जो है अच्छी पुलिसिंग दे पाएँ। यहाँ भी हॉटस्पॉट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हुए थे, लोगों को जागरूक किया जाएगा पहले, क्योंकि लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे लिए अभियान चलाया जा रहा है, हेलमेट लगाने से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, जनता इसका प्रयोग भी बढ़ाएगी। जैसे हम मोबाइल 24 घंटे अपने पास रखते हैं, उसी तरह हेलमेट और सीट बेल्ट भी अपने लगाएँ, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ की समस्या, यहाँ पर देशी शराब की समस्या, जुए फट्टे की समस्या, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों की जो डिमांड है, यहाँ पे लोग पीने के बाद लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं, महिलाएं शराब सेवन से बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको जान के उसके निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। जो जहाँ तक हेलमेट का अभियान है, ट्रैफिक से जाने यहाँ भी जा रही हैं, पिछले साल 150 से ज़्यादा जाने कवर्धा में रोड एक्सीडेंट से गई थी, ज़्यादातर 2 व्हीलर्स के लोगों की जान गई थी, तो लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी, लोगों को वीडियोस दिखाए जाएंगे। फाइबर अवेयरनेस पे काम किया जाएगा क्योंकि यहाँ भी दूरस्थ अंचल में लोग जो है फाइबर फ्रॉड का, चिट फंड का, इसके भी शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, दुर्ग जिले और कवर्धा जिले में कितना अंतर, वहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का ट्रैफिक क्या डिफरेंस? निश्चित रूप से दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में आता है, जहाँ की आबादी 21 लाख है, यहाँ की आबादी 7 लाख है, तो सोच सकते 3 गुना आबादी है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज एरिया ज़्यादा है, वहाँ एजुकेशनल कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हर जगह की अपनी तासीर होती है, अपनी समस्याएँ होती हैं, लेकिन काम करने का जगह हर जगह होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा पांचवा ज़िला है कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और कवर्धा, पांचों जगह की अपनी अपनी समस्याएं थी, अपने अपने निराकरण के तरीके थे। मेरी कोशिश होगी कि कवर्धा पुलिस में एक जो और लचीलापन आए और एक सशक्त पुलिस के रूप में हम काम करें, और जो शासन की मंशा है कि लोगों का विश्वास विकास हो, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर हेलमेट का उपयोग अगर कोई पब्लिक करती है, जैसे उसका मिरर नहीं है सामने का, है ना, वो टूट चुका है, या फिर यहाँ पर बेल्ट होता है सर, उसको नहीं लगाया है, तो इस परिस्थिति में भी उसका चालान कट सकता है क्या? बिल्कुल, पहले समझाइश दी जाएगी उनको, को बताया जाएगा कि क्या नहीं लगाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि वो उनका रिबन कटा, यदि उनका वो बेल्ट कटा हुआ है तो वो गिरेगा तो हेलमेट कहीं और चला जाएगा और सर को चोट लगेगी। एक बार लोग समझेंगे कि उससे उनकी जान बचती है, निश्चित रूप से लोग उसका उपयोग करेंगे। और सर, यहाँ कवर्धा के जो आम पब्लिक हैं, अभी तो सर आपको लगभग 1 महीने ही हुआ होगा, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे सर हेलमेट के लिए? 15 दिन हुआ है मेरा भी, लगातार यहाँ पे हेलमेट के दुकानों में उसकी बिक्री भी बढ़ी है, उपयोग भी बढ़ा है, लोगों में जागरूकता हम लगातार कर रहे हैं। कल हमने अति सौजन्य दक्षल क्षेत्र में क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया, तो वहाँ भी हेलमेट हमने प्राइस के रूप में दिया। हम कोशिश कर रहे हैं जगह जगह लोग हेलमेट को, हम स्कूल जाके, कॉलेज जाके, हॉस्पिटल जाके हम अवेयरनेस फैलाएंगे, और रोड पे अवेयरनेस फैलाया जाएगा, समझाइश दी जाएगी, और उसके बाद भी लोग नहीं मानेंगे तो अंत में जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। और सर, चालान हेलमेट का अभी वर्तमान में सर
कितना प्राइस है, मतलब कितना लगता है हेलमेट ना पहनने पर? हेलमेट नहीं लगाने से 200 रुपये से 400 रुपये तक का चलान जो है वो कटता है, बाकी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो यदि आने वाले समय में यदि लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलानी कार्रवाई भी शुरू की। और सर अभी डॉक्यूमेंट्स में एक नया चीज़ जुड़ा है एयर पॉल्यूशन का, तो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो गाड़ी के ओनर है उनको रखना पड़ेगा? गाड़ी के ओनर को एक आपका जो पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो रखना पड़ेगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रखना पड़ेगा, गाड़ी का जो इंश्योरेंस है क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो इंश्योरेंस कम से कम ये तीन चीज़ें अभी रखें, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी और भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी तो उसको कंपलसरी किया जाएगा। अच्छा सर कब तक पेट्रोलिंग यहाँ करने वाले हैं? बस अभी जल्दी ही, क्योंकि मैं अभी दूसरा हफ्ता ही चल रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, यहाँ की तासीर समझने के बाद अगले हफ्ते से यहाँ भी विजुअल पुलिसिंग जो है शुरू किया जाएगा। सर कौन कौन सा यहाँ पर करोगे? हमारी कोशिश ये है कि जो जहाँ भी दो तरह, एक हमारा शाम को विजुअल पुलिसिंग होगा जिससे कि लोगों में पुलिस को देख के भरोसा बढ़े, रात में फ्लैग मार्च किया जाएगा जिससे जो चोर जो है जनरली रात में चोरी करते हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, चोरों से जो है लोगों को मुक्ति मिले, 10 लाख 30 लाख 40 लाख की बड़ी चोरियाँ भी कवर्धा में हुई है। पेट्रोलिंग से हम चोरी को और जो घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं जो पी के हल्ला करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जनता की गाँव जिन जिन वार्ड से पार्षदों द्वारा डिमांड आएगी उन वार्ड्स में हमारे द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया जाएगा। भारतीय वर्मा छत्तीसगढ़ के पहली डायरेक्टर है, इसके बारे में क्या आप बोलना चाहते हैं? सर वो पिक्चर बना रहा है जियो बन हीरो इसे करके। नहीं बिल्कुल, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा महिला सशक्तिकरण के ऊपर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति भारत देश में काफ़ी अच्छी है, दूसरे राज्यों से उनको कंपेयर करेंगे, महिलाओं को यहाँ बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, महिलाएं हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल जो मूवी बन रही है महिला सशक्तिकरण के लिए जियो बनो हीरो जरूर लोग देखें, और जो भी अच्छे थीम के ऊपर सोशल थीम के ऊपर मूवी बनती है हम सबका कर्तव्य है कि मूवी को देखें जिससे कि अच्छी मूवी जो है वो बन पाए। भारती वर्मा जी को मैं जो है शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छी मूवी बनाए और निश्चित रूप से मूवी जब रिलीज होगी तो जरूर देखूँ। बिल्कुल, तो 30 जून को आने वाली मूवी जीरो बने हीरो आप लोग जरूर देखें और इससे कुछ सीखे। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं अभिषेक पल्लव सर के पास, देख सकते हो वाइट वाइट लिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सर से मिले हैं, हम सोच भी नहीं सकते सर इतना अच्छा है, मिला भी बुलाया भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। दुर्गा से डायरेक्ट यहाँ आया है कबीरधाम जिला में, तो हम लोग आए थे सर से मिलने के लिए, देख सकते हैं सर के अभी ऑफिस में हैं, वाइट वाइट लिए हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा यहाँ मिलकर, और कुछ अभी वगैरह देख सकते हो सर है। सी जी लाइव यूट्यूब चैनल है, नए लड़के हैं, छत्तीसगढ़िया भाषा का प्रयोग करते हैं, लोकल संस्कृति को जानते हैं, मैं आप लोगों को भगवान से कामना करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ें, लाखों में सब्सक्राइबर्स पहुंचे और आप अच्छा कंटेंट दिखाएं जिसको देख के दूरस्थ इलाकों तक लोग जो है, क्योंकि यहाँ के लोग छत्तीसगढ़िया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो दूरस्थ लोग तक भी आपकी बात पहुँचे और समाज में कुछ अच्छा हो पाए। एक बार सर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो भी हम पल्ला सर से मिले हैं जस्ट, थोड़ा बाइट वगैरह भी लिए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिख जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कवर्धा का पुलिस अध्यक्ष कार्यालय है, यहाँ पर भी वगैरह देख सकते हो कवर्धा का पुलिस अध्यक्ष कार्यालय है, आप जब भी आओगे तो यहाँ पर आ सकते हो, अगर यूट्यूबर हो तो मिलने के लिए मना नहीं करेगा सर, ठीक है ना, 5 मिनट 10 मिनट समय ज़रूर दे देगा, तो आप जब भी आना आ जाना, यूट्यूबर हो तो, ठीक है ना, आम आदमी से भी मिल लेता है सर, बहुत अच्छा आदत का है, ठीक है ना, देख सकते हैं व्यू वगैरह। तो हम फाइनली जा रहे हैं, रायपुर से आए हैं, यहाँ से कवर्धा का डिस्टेंस रायपुर का वही है कितना है, 130 समझ लीजिए राउंड फिगर, वैसे तो 100 से शतक मारी चुके हैं। हाँ सही बोल रहा है, तो कुछ इस तरह का व्यू वगैरह है, तो फाइनली हम लोग अब घर जा रहे हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं कवर्धा का कुछ व्यू वगैरह है, ये पुलिस अध्यक्ष कार्यालय है, तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में, जोहार करे भुला गए, जम्मू जय जोहार लास्ट में।